सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, ये क्लास स्पेशली नेवी एमआर वालों के लिए है। सो नेवी एमआर वालों, नाउ इट्स योर टाइम टू रॉक ऑन। सो गो अहेड एंड वर्क हार्ड। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो आप लोग काफ़ी उत्साहित होंगे कि क्या खुशखबरी आई है, क्या सर जो है हम लोग को देने वाले हैं। तो चलिए आज का ये क्लास हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि आज के क्लास में जो है आपके एग्जाम और आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो है कुछ खुशखबरी आई है, उसको लेकर के कुछ जरूरी बात करेंगे और भी जो है कुछ बेहद जरूरी बातें आपको जो है बतानी है आपके एग्जाम से रिलेटेड। सो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए स्टैंड अप क्लासेस को, ताकि ऐसे वीडियोज में आपको डेली दे सकूँ, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी और बेहतर हो सके। और अगर अभी तक आपने हमें खबरी पर फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले हमें खबरी पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर डेली अलग से आपके एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। डेली 2 से 3 क्लासेस दी जा रही हैं, जैसे यूट्यूब पर दी जा रही हैं वैसे वहां पर भी। तो अगर तैयारी को बेहतर बनाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खबरी ऐप को डाउनलोड कीजिए और स्टैंड अप क्लासेस को फॉलो कर लीजिए और जाइए वहां से रेगुलर तैयारी करिए। सो तो सबसे पहले जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि खुशखबरी क्या आई है। तो मैं आपको बस यही कहूंगा कि आप लोग भी अपनी कमर बांध लीजिए, क्योंकि इंडियन नेवी से जो है आपके एडमिट कार्ड का मेल और मैसेज आना शुरू हो गया है। काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है ये मैसेज और मेल मिल चुका है। अगर अभी तक आपको नहीं मिला है तो घबराइए मत, आपको भी जो है 2 से 3 घंटे के अंदर जो है ये मेल मिल जाएगा। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है ये मेल किस चीज़ को लेकर के है। तो ये मेल आपके एडमिट कार्ड को लेकर के है, जिसमें बताया गया है कि डियर कैंडिडेट्स, आपके एडमिट कार्ड जो है नेवी एमआर के लिए कल 12 तारीख को रिलीज किए जाएंगे, ठीक है। तो हमें लगता है जिस तरह नेवी SSR और AA वालों के साथ में हुआ है, बिल्कुल ऐसा जो है आपके साथ में भी होगा। रात में ही आपके एडमिट कार्ड जो है 2 बजे के बाद रिलीज कर दिए जाएंगे, आज रात में 2 बजे के बाद, यानी 12 तारीख हो जाएगा। तो जो है 12 तारीख में, आज रात में जो है 2 बजे के बाद रिलीज कर दिया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड, और कल सुबह मैं आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको अपने एडमिट कार्ड्स को जो है डाउनलोड कैसे करने हैं। तो ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी हो गई कि चलिए भाई, आप लोग भी इंतजार कर रहे थे कि एडमिट कार्ड कब आ रहा है, तो एडमिट कार्ड आपको मिल गया। तो कल देख लीजिए आपको जो है किस डेट में एग्ज़ाम पड़ा है और साथ में जो है कहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर बना है, उस हिसाब का आपको जो है अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और फिर साथ में एक चीज़ और बताना है, आपको पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है 19 तारीख से जो है 21 तारीख के बीच में पड़ा है। सबसे पहले तो 16 से 18 तक जो है 3 दिन आपका चलेगा SSR और AA का, और 19, 20, 21 3 दिन जो है चलेगा आपका नेवी MR का। अब काफ़ी स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ को लेके परेशान है कि सर क्या अगर मेरा एग्ज़ाम जो है 21 को पड़ गया और मैंने एयरफोर्स का भी जो है फॉर्म डाल रखा है, और कहीं जो है एयरफोर्स का फॉर्म जो है कहीं मतलब कि कोलैप्स कर गया तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूँ, आपको इस चीज़ को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जिसका एग्ज़ाम कोलैप्स होगा, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका एग्ज़ाम कभी भी कोलैप्स नहीं होगा। इस हिसाब से सेट किया जाएगा कि बिल्कुल कोलैप्स नहीं होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। अलग अलग डेट में ही पड़ेगा, नेवी का अलग पड़ेगा और एयरफोर्स का आपका जो है अलग डेट में पड़ेगा। सो अब हम बात कर लेते हैं जो है तैयारी को, कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और किस हिसाब से तैयारी करनी है। तो डेली जो है अब मैं प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग डेली जो है समय निकाल करके सुबह और शाम जो है दोनों टाइम जब आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, GK का हो, साइंस का हो, जिस चीज़ का भी दिया जा रहा है, उसे आप लोग डेली जो है देखिए और डेली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, तो वो क्लास आप बिल्कुल देखना मत भूलिए। और साथ में एक एग्ज़ाम टिप्स आप लोग ये ले लीजिए कि जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा, सबसे पहले तो मैंने आपसे ये कहा था कि प्लीज़ आप लोग ये प्रयास कीजिएगा कि अगर आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना है तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। समय देख करके आप लोग, जो मैंने आपसे कहा था प्रैक्टिस सेट बुक लेने के लिए, तो समय देख करके आप लोग प्रैक्टिस सेट बुक जो है सॉल्व कीजिए, करते रहिए जो है। जितना बेहतर करेंगे, जितने कम समय में कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको समय मिलने वाला नहीं है 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने का। और साथ में आपको एक ट्रिक ये नोट कर लीजिएगा, अगर आपको एग्ज़ाम में बेहतर करके आना है तो कभी भी 2 सेक्शन आपको मिलेगा, आपको पता ही होगा, एक सेक्शन साइंस और मैथ का होगा और दूसरा सेक्शन GK का होगा। तो कभी भी जो है भूल के ये वाला सेक्शन साइंस और मैथ वाला पहले मत कीजिएगा। मैं सुझाव दूंगा, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग GK वाला ही जो है टच कीजिएगा सबसे पहले। GK को जो है आप लोग 15 मिनट में आसानी से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे, या फिर जो है 15 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 से 12 मिनट में जो है 25 क्वेश्चन आपका हो जाएगा GK का, और बचा जो टाइम वो आप जो है अपने बाकी के 25 क्वेश्चंस पे दे सकते हैं साइंस और मैथ पे, ठीक है। तो आसानी से उसे कर पाएंगे अगर आप लोग जो मैंने आपको बताया है सबसे पहले वही कीजिएगा, सबसे पहला सेक्शन भी अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद जो है सेक्शन अटेम्प्ट करने की जो है कोशिश कीजिएगा।
और साथ में जो निगेटिव मार्किंग आपको पता ही है कि 0.25 मार्क्स का जो है निगेटिव मार्किंग है, तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल टच करने की कोशिश मत कीजिएगा कि आपको उससे जो है दिक्कत हो या फिर जो है क्वेश्चन गलत हो तो नंबर कट जाए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, जितना आता है बिल्कुल सही सही करके आइएगा, ठीक है। और साथ में आपको पता ही होगा कि आपको डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, तो जो आपने आईडी के तौर पे लगाया था अपने एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिल किया था आपने, तो फॉर्म फिलिंग के दौरान जो आईडी आपने लगाया था वही आईडी आप लोग जो है ले करके जाइएगा, ठीक है। या अगर आधार लगाया था आईडी के तौर पे तो आधार ले जाइएगा, मार्कशीट लगाया था तो मार्कशीट ले जाइएगा, या फिर वोटर आईडी लगाया था तो वोटर आईडी ले करके जाइएगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, बेहतर करके आइएगा एग्ज़ाम में और तैयारी जो है रेगुलर करते रहिए, क्योंकि आपके पास आज जो है आपका 11 तारीख है तो मुश्किल से 6 से 7 दिन और बचा है, तो इस तैयारी को जो है और बेहतर करिए, जो है धुआंधार तैयारी कीजिए ताकि मतलब एकदम बेस्ट करके आए आप एग्ज़ाम में, मुझे एकदम बेस्ट करके दिखाएं। सो फिर मिलेंगे आपसे जो है बहुत जल्द अगले प्रैक्टिस सेट में अभी जो है। सो धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिएगा और खबरी पे जो है फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।